रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रनगढ़ गांव में जमीनी विवाद के चलते युवक की बेदम पिटाई की गई है, जिसमें बदमाशों के द्वारा रस्सी से बांधकर युवक को पीटा गया तथा युवक की पिटाई का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसके बाद मामले पर पुलिस ने जांच शुरू की है। वहीं मारपीट में घायल हुए युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल रनगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए रीवा शहर से गुंडे टाइप बदमाशों को बुलाया गया, जिसमें विवाद को सुलझाने के लिए बदमाशों ने दबंगई दिखाने दूसरे पक्ष से आए युवक की बेदम पिटाई कर दी। बदमाशों के द्वारा युवक को रस्सी से बांधकर पीटा गया, जिसके बाद वह तो गंभीर रूप से घायल हुआ तथा लहूलुहान हालत में स्थानीय लोगों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां से युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना जब पुलिस की टीम को लगी तो तत्काल पुलिस के द्वारा आरोपियों की पहचान की गई और मामले पर जांच शुरू करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में दो पक्षों का काफी लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था और जब वह विवाद नहीं सुलझा तो दोनों पक्षों ने बाहर से बदमाशों को बुलाया। इस बीच एक पक्ष से आए बदमाशों ने दूसरे पक्ष के युवक की पिटाई कर दी। अरे पूरा भरपाई करी तो न जावे रे बांध अच्छे से बता दे रहे नाम कहाँ बताए थे ठीक नाम बताए सबके नाम बताए थे भैया में बिना मतलब के बैठा लिए भाग जा उल्टे वाला छोड़ दे नहीं तो हाथ कट दे। भाग्य है
गढ़ थाना क्षेत्र में एक रणगल जगह है गांव, जहां पे तिवारी बंधुओं का आपस में पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और आपस में इस जमीन संबंधी विवाद को लेकर के उनका झगड़ा रहता है। उस परिवार में एक पक्ष जो है उसका बच्चा जो है यहाँ रीवा में रहता है। उसने रीवा चिरौला कॉलोनी से एक कुशवाहा अपने साथी को लेकर वहाँ गया था और विवाद कर रहा था, जिसमें उभय पक्ष फिर झगड़ा किए और चूंकि बाहरी व्यक्ति वहाँ प्रवेश किया था, इस बात की नाराज़गी थी, इस बात से झगड़ा बढ़ गया और मारपीट हुई है, जिसकी सूचना थाने में मिलते ही जो है तत्काल पुलिस पहुँची और दोनों पक्षों के थाने ला करके और काउंटर केस कायम है, दोनों में विवेचना चल रही है। सर, वीडियो में देखा गया कि बहुत से रात है, उसको वहाँ से अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है, अभी वो ठीक है, उपचार चल रहा है, अब उपचार के बाद पता चले क्या स्थिति है उसकी, लेकिन अभी तक की स्थिति जो है सामान्य है। गिरफ्तारी भी हुई है, दोनों पक्ष को अभी रक्षा में लिया गया है, अभी जो है प्रकरण की कायमी की जाकर के विवेचना की जा रही है।